कल बसंत विहार कॉलोनी में हुए गोलीकांड के आरोपी पर प्रशासन की कार्यवाही के चलते प्रशासन द्वारा कल शाम करीब 5 बजे आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर घर को पूर्ण रूप से तोड़ दिया गया है। इस कार्यवाही के लिए ब्रह्माकुंडी स्थित आरोपी के घर को तोड़ने के लिए नगरपालिका का अमला धार पर पुलिस प्रशासन सहित एसडीएम दीपा श्री गुप्ता और धार कोतवाली टीआई दीपक चौहान पुलिस बल के साथ पहुंचे। मौके पर आपको बता दें, धार की बसंत विहार कॉलोनी में रह रही पूजा चौहान को ब्रह्माकुंडी निवासी दीपक राठौर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद से आरोपी फरार है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। मकान तोड़ने की कार्यवाही में धार एसपी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी का घर अवैध रूप से बनाया गया है और साथ ही जो कल घटना हुई है उसमें आरोपी दीपक राठौर पूजा चौहान से प्रेम प्रसंग का मामला बताया है।